का है कि हमारे पास कुछ है गाड़ी मर रहा है यही छोड़वाने के लिए ये झूठ बोलता है। इज्जत गाड़ी को रोके और मतलब कि है कि आप भागलपुर के कोतवाली पुलिस की दबंग गई कैमरे में कैद हो गई है। जब कोतवाली के एएसआई ने मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान थप्पड़ जड़ दिया, वहीं एक बुजुर्ग स्कूटी सवार को हाथ उठाकर पीटने की कोशिश की, जिस पर काफी समय तक आम लोगों के द्वारा पुलिस के इस रवैये को लेकर बहस हुई। आप 50,000 फाइन ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं है। किस भारत के सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया, जापान में अवार्ड लिया है। सब पे हाथ उठा रहा है, मारा भी दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास पुलिस मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक हेलमेट लटकाकर आ रहा था, इस दौरान पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। जब युवक एएसआई साहब का पैर पकड़कर छोड़ देने की गुहार कर रहा था, इसी दौरान एएसआई ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं युवक का कहना था कि उसके पास गाड़ी के सभी कागजात मौजूद थे और वो हेलमेट नहीं पहनने की गलती को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहा था, लेकिन एएसआई ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। कुछ नहीं सर, हेलमेट मेरे पास है। हाँ, जब अभी करके अथी की है। हाँ, हेलमेट खोले पास पहने और उन्हें लगा था अथी खोले और पहने मेरे पास हेलमेट है। मारे वे हमारे काहे मांग रहे कि हमारे पास कुछ है ना, जब प्रूफ दिखाते हैं हम तो मार रहे हैं। वहीं उस बुजुर्ग की मां ने तो अपने आप को वैज्ञानिक बता रहा था, उन पर भी हाथ उठाई गई थी, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए थे और पुलिस के साथ जमकर बहस हुई। किस भारत के सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया, जापान में अवार्ड लिया है, एंड दिस मैन हैज डिड लाइक दिस काहे। आई विल शो यू शोहर तो बगैर द टॉप आईएएस ऑफिसर इज सिटिंग 3 आवर्स एवरी डे विद मी बाका मिस्टर गुप्ता जी। क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ हेलमेट नहीं है। इस घटना के बाद एएसआई का कहना है कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, जबकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक को पुलिस वाले ने पीटा है। गाड़ी मर रहा है यही छुड़वाने के लिए ये झूठ बोलता है। मारे हैं अभी आपके सामने बात नहीं, वो भी उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार मैं नहीं किया हूँ। पूछिए मारे हैं थप्पड़ से मारे हैं भाई, इज्जत गाड़ी को रोके और मतलब कि है कि आपको कागज है। क्या नाम हुआ? कुछ दिन पहले ही कोतवाली पुलिस का चेकिंग के दौरान वसूली करता वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक नितासा गुड़िया ने जांच बैठाई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब देखना है कि दिन दहाड़े चेकिंग के नाम पर लोगों की पिटाई करने वाले एएसआई के खिलाफ आला अधिकारी क्या करते हैं।